स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास सेवेंथ का चैप्टर नंबर 4 लाइट के बारे में। तो हमने फर्स्ट इसे लास्ट वीडियो में इसका एक टॉपिक हम कर चुके हैं। अब हम स्टडी करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे हम। तो क्या होता है कि जब कोई भी लाइट जो है किसी एक चीज़ के ऊपर फॉल करती है तो हम उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जब वो रिफ्लेक्ट होकर दूसरी दिशा में चली जाती है तब हम उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड वे रे। तो इसमें क्या होगा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, नॉर्मल क्या होगा, इन दोनों रेज के बीच का पॉइंट, यानी कि ये जो लाइन हमने खींच दी ये हमारा है नॉर्मल। ये तीनों चीज़ें एक ही प्लेन में लाए करेंगे। ये देखिए, ये हमारा एक प्लेन है, ये शीट, इसी में लाए करेंगे ये तीनों चीज़ें। ये तो हो गया हमारा पहला लॉ इसके बारे में। नेक्स्ट लॉ है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट यानी कि एंगल आए और एंगल आर, नॉर्मल के इधर और नॉर्मल के उधर, दोनों के दोनों एंगल्स बिल्कुल सेम होंगे। ये दोनों लॉज आपको नेक्स्ट आगे आने वाली हर एक क्लास में साइंस में काम आने वाले हैं, तो ये दोनों लॉज आप अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम स्टडी करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मिरर इमेज फॉर्म्ड ऑन अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर के ऊपर बनने वाली एक हमारी इमेज के बारे में स्टडी करेंगे हम। तो अगर देखेंगे ये सामने कोई इंसान यानी कि एक बच्चा खड़ा है एक मिरर के सामने, उसको मिरर में अपनी इमेज दिखाई दे रही है बिल्कुल वैसी की वैसे। अगर ये अपना हाथ ऊपर करेगा तो देखेंगे कि मिरर में भी हाथ ऊपर किया है। तो इस तरीके से ये हमारी लिटरल इन्वर्जन होता है। इसमें देखेंगे अगर हम अपना राइट हैंड करेंगे, लेफ़्ट हैंड ऊपर करेंगे तो हमें मूवमेंट उसके अंदर दिखाई देगी, लेकिन वो हमें राइट हैंड ऊपर करता हुआ दिखाई देगा, जिसको बोलते हैं लिटरल इन्वर्जन, यानी कि हमें लेफ़्ट का राइट और राइट का लेफ़्ट दिखाई देता है। अगर हमारी टी शर्ट पर कुछ लिखा हो वो भी हमें उल्टा दिखाई देगा मिरर इमेज के अंदर। तो ये हमें इसके बारे में बताया गया है बस कि मिरर इमेजेस कैसी कैसी होती हैं। इसके बाद हम जो है थोड़ा सा इनकी विशेषताओं के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ये देखेंगे ये हैं कुछ इसकी विशेषताएं, तो ये हम स्टडी करेंगे अब। तो देखेंगे अगर डिस्टेंस है जो किस उस लड़के का जो मिरर में मिरर से 5 मीटर दूर खड़ा है तो वो मिरर के अंदर भी 5 मीटर दूर ही खड़ा होगा, यानी कि उन दोनों यानी कि इमेज के बीच में और रियल बच्चे के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो दोनों को जोड़ कर आएगा, यानी कि 10 मीटर उसका जो है वो डिस्टेंस होगा इमेज का। तो देखेंगे ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। मिरर इमेज इज़ अपराइट, अपराइट हमें इमेज दिखाई देगी। साइज़ ऑफ द मिरर इमेज द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि दोनों का साइज़ बिल्कुल सेम होगा। इमेज इज़ लिटरली इन्वर्टेड, लिटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि हमें वो उल्टी दिखाई देगी लेकिन होगी हमारे लिए वो बिल्कुल सेम। द मिरर इमेज इज़ फार बिहाइंड द मिरर इज़ एज द ऑब्जेक्ट इज़ इन फ्रंट, यानी कि फ्रंट में होगी। अगर कोई चीज़ ऑब्जेक्ट जो है मिरर के फ्रंट में है तो वो उसके पीछे हमें उसकी लगेगा कि उसके पीछे कोई चीज़ है, सेम टू सेम। नेचर ऑफ द इमेज यानी कि वर्चुअल मीन्स इमेज कैन नॉट बी कॉट ऑन ए स्क्रीन। अगर नेचुरल इमेज है, नेचुरल इमेज इज़ वर्चुअल, दैट मीन्स कोई नेचर ऑफ द इमेज, अगर कोई इमेज वर्चुअल है इसका मतलब है उसको हम स्क्रीन पर नहीं देख सकते। वर्चुअल होता है रियल नहीं होना, नॉट रियल, ठीक है। इसके बाद हम कर्व्ड मिरर्स के बारे में स्टडी करेंगे। हम अपनी लाइफ में प्लेन मिरर्स और कर्व्ड मिरर्स डेली देखते हैं। जैसे एक स्पून होती है उसके दोनों तरफ, अगर हम उसके अंदर की तरफ देखें तो हमें इमेज अलग दिखाई देगी, यानी कि इमेज फॉर्म्ड ऑन द आउटर साइड ऑफ अ स्पून। आउटर यानी कि बाहर वाली तरफ हमें इमेज सीधी दिखाई देगी और अंदर वाली साइड इमेज हमें उल्टी दिखाई देगी। तो ये ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हमें पता चलेगा। तो क्या होता है तो देखेंगे इसके एक इसको हम समझेंगे एक डायग्राम की हेल्प से। तो ये देखेंगे यहाँ ये डायग्राम आपने अपनी नोटबुक में बनाना है। तो देखेंगे ये देखो कनकेव मिरर, ये देखिए जो ब्लू कलर है ये है हमारा मिरर, ओके। और जो ये डार्क कलर है ये ग्रे सा कलर हमें दिखाई दे रहा है, ये उसके पीछे करी गई पॉलिश है। तो देखेंगे ये किसी न किसी एक पूरे सर्कल का कुछ पार्ट होता है। तो जहाँ पे इसकी जो इमेज की फॉर्मेशन होती है वो यहाँ होगी,
क्योंकि यही है हमारा मिरर। तो ये होते हैं हमारे, ये कनकेव मिरर है और ये कन्वेक्स मिरर है। तो देखो एक ही चीज़ के हमें दो तरीके से हमें दिखाई देने वाली है ये चीज़ें। हमें जिस तरफ दिखाई देंगी, देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे सेंटर से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कनकेव मिरर हमें होते हैं अंदर की तरफ वाले मिरर, यानी कि स्पून के अंदर का तरफ है उसको हम बोलेंगे कनकेव, और जो स्पून के बाहर वाला हिस्सा है उसको हम बोलेंगे कन्वेक्स। ये चीज़ याद रखनी है हमें, अंदर वाला हिस्सा और बाहर वाले हिस्से को हम क्या क्या बोल रहे हैं। ओके, तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, वो वाला एफ, यानी ये देखो जहाँ से मैं, ये एफ हमारा है फोकस। तो देखिए प्रिंसिपल फोकस है हमारा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ये, और एफ को बोलेंगे हम प्रिंसिपल फोकस। तो इसके अंदर व्हेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक टू अ स्फेरिकल मिरर्स दे गेट रिफ्लेक्टेड। तो अगर वो इस फोकस पर पड़ेंगी तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ये कहना चाह रहे हैं। इन कनकेव मिरर दे रिफ्लेक्टेड रे कम क्लोजर एंड मीट एट ए पॉइंट कॉल्ड अ प्रिंसिपल फोकस। तो कनकेव मिरर में क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद सारी की सारी रेज थोड़ा पास आ जाएंगी और एक जगह पे मीट करेंगी, इसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल फोकस। कन्वेक्स मिरर में ये स्प्रेड आउट हो जाती हैं, देखेंगे तो जब वो स्प्रेड हो रही हैं इसका मतलब वो एक जगह पर अपीयर नहीं हो रही, प्रिंसिपल फोकस पर वो फोकस नहीं करेंगी, यानी कि उनकी डायरेक्शन अलग होगी। प्रिंसिपल फोकस इज़ अ स्फेरिकल मिरर इज़ अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू दैट प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू मीट, यानी कि ये हमें सिर्फ आती हुई दिखाई देती हैं। प्रिंसिपल फोकस एक स्फेरिकल मिरर का वो पॉइंट होता है, देखो वो पॉइंट है जहाँ पर कोई बीम ऑफ लाइट पैरेलल इस एक्सिस पर आकर मिले, उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। अब देखेंगे कि कनकेव मिरर होते हैं कन्वर्जिंग मिरर्स और कन्वेक्स मिरर होते हैं डाइवर्जिंग मिरर्स, ये बात हमें याद रखनी है सिर्फ। तो ये हैं इसके दोनों डायग्राम्स, ये दोनों डायग्राम्स हैं अलग अलग इनको, ये हमारा है कनकेव मिरर का और ये है हमारा कन्वेक्स मिरर का। तो आज के लिए हम इतना ही स्टडी करेंगे, नेक्स्ट में हम स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक को। ओके, थैंक यू।